हेलो दोस्तों, वेलकम टू कुकिंग स्मार्ट। मैं हूँ अनामिका। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ साबूदाना के वड़े किस तरीके से बनाए जाते हैं। सर्दियों में आप इसे बना के खा सकते हैं। यहाँ पे मैंने पानी डाल के इसे वॉश कर लिया है और इसे अच्छे तरह से वॉश करके भिगो कर मैंने 3 से 4 घंटे रख दिया है। ये देखिए, साबूदाना जो है अच्छे से भीग गया है। अब यहाँ पर मैंने नमक ले लिया है और मैश पोटैटो ले लिए हैं। अब साबूदानों को एक प्लेट में मैंने रख दिया है और उसमें मैंने आलू मैश कर दिए हैं अच्छे से। इनको अच्छे से सारे आलू को मैश कर लेना है। इसके बाद इसमें नमक डाल दे स्वाद के अनुसार। अगर मिर्ची खाना चाहते वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने वड़े को ये देखिए इस टेप में बना लिया पेड़े के जैसे। बस इसी तरीके से सारे साबूदाने के वड़े बना लीजिए। इसे बनाना बहुत ही आसान है और सर्दियों में आप बना के खाइएगा, गर्मा गर्म बहुत अच्छे लगते हैं। ये सारी चीज़ें सर्दियों में ही खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। ये देखिए मैंने दूसरा भी बना कर आप लोगों को दिखाया है। इसी तरीके से सारी देखिए मैंने बना वाले जो है रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे कढ़ाई पे मैंने ऑयल ले लिया है और इसको हीट कर लिया, मतलब गर्म होने पे यहाँ पे एक एक बड़ा मैं डाल रही हूँ। अच्छे से इसे फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइड से। तो साबूदाना के वड़े बनकर बिल्कुल रेडी हैं। आप इसे सब्जी के साथ, सॉस के साथ खा के इंजॉय कर सकते हैं। इवनिंग स्नैक में चाय के साथ भी खा सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें।